आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज पेश होगा भजनलाल सरकार का पहला बजट। आपको बता दें कि वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। पूर्णकालिक बजट होकर के लेखानुदान पेश होगा और 20 साल बाद राजस्थान में इतिहास बदलेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते रहे हैं, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और 20 साल बाद राजस्थान में जो है इतिहास बदलने वाला है। इससे पहले देखिए लगातार मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते रहते हैं, लेकिन इस बार वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। आज भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश होगा। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है कि क्या कुछ खास आज के बजट में रहने वाला है, तो आज क्या खास रहेगा इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है। और आपको बता दें कि आज जो भजनलाल सरकार का ये पहला बजट पेश होगा और ये कहा जा रहा है कि युवाओं पे फोकस रहने वाला है, महिलाओं पे फोकस रहने वाला है, किसानों पर फोकस किया जाएगा। और आज बजट जब पेश होगा तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किन किन वर्गों को ध्यान में ये बजट रख करके पेश होता है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में लोकसभा का भी चुनाव है, तो उसके मद्देनजर ये बजट काफी खास हो जाता है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि काफी यहाँ पर बैठकों का दौर भी चला था। दिया कुमारी लगातार बैठक ले रही थी और बहुत ही सोच समझ करके ये बजट बनाया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी है। भजनलाल सरकार का ये पहला बजट है और 3 से 4 महीने देखिए कैसे सरकार को चलाना है, कैसे इसमें किस तरीके से किया जाए पूरी यहां पर तैयारी, उसको लेकर के पहले से हमने आपको दिखाई थी, कल भी तस्वीरें दिखाई थी जिसमें लगातार बैठकों का दौर चला था। चिंतन मंथन किया गया है कि हर वर्गों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि लगातार अगर हम बात कर ले बीजेपी की तो देखिए कई सारे वादे किए गए थे जब विधानसभा का चुनाव था, रोजगार का वादा किया गया था और उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज का बजट काफी खास हो जाता है। गुरुवार को पेश होगा प्रदेश का बजट। बजट में दिखेगी लोकसभा चुनाव की आहट। नई सरकार से उम्मीदें बेशुमार। कई बड़े फैसलों की तैयारी में सरकार। प्रदेश की भजनलाल सरकार 8 फरवरी को विधानसभा में अपना पहला लेखानुदान पेश करेगी। बुधवार को उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान को अंतिम रूप भी दे दिया। लेखानुदान में भजनलाल सरकार अपनी नीतियों को लेकर के तस्वीर साफ करेगी। प्रदेश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, कोई महिला स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते थे। वर्ष 2003 से 2023 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे और 2 बार ही अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। 2003 में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में प्रद्युम्न सिंह आखिरी वित्त मंत्री थे। उनके बाद 2 बार वसुंधरा राजे और 2 बार अशोक गहलोत की सरकारें रहीं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ही बजट पेश करते रहे। हालांकि यह बजट पूर्णकालिक नहीं होकर के लेखानुदान होगा, यानी सरकार 3 महीने के लिए अपना लेखानुदान सदन में पेश कर उसे बहुमत से पास कराएगी। लेखानुदान एक विशेष प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार वर्ष के एक भाग नई सरकार के गठन तक के लिए व्यय करने के लिए पर्याप्त धनराशि के लिए सदन की मंजूरी प्राप्त करती है। अंतरिम बजट प्राप्तियों और व्यय दोनों से संबंधित है। लेखानुदान में केवल सरकार का खर्च शामिल होता है। बहरहाल आम जनता से लेकर के पक्ष प्रतिपक्ष के विधायक और मंत्रियों तक सब इंतजार में है कि वित्त मंत्री दिया कुमारी के पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए किस तरीके की सौगात निकलती है। वैसे बीजेपी विधायकों का दावा है कि सरकार हर वर्ग को राहत देने का प्रयास करेगी। राजस्थान में तमाम सड़कों का है, चिकित्सा क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, पंचायती राज में हो, सभी क्षेत्रों में पूरा विकास का काम होगा, बजट आवंटन होगा, यही हमारा कहना है। निश्चित रूप से जो राजस्थान की जनता जो इस उम्मीद और विश्वास को इस सरकार से लेके हुए इंतजार कर रही है, निश्चित रूप से उन विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे। किसान और गरीब के कल आने वाला लेखानुदान शानदार होगा, हर वर्ग के लिए अच्छा होगा। और कल का लेखानुदान गरीब को गणेश मान के पेश करने वाली भजनलाल जी की सरकार, हमारी मुख्यमंत्री जी सरकार। दिया कुमारी ने कुछ समय पहले ही लेखानुदान कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने पहले भी सभी वर्गों का ध्यान रखा है और लेखानुदान भी सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास रहेगा। जाहिर है लेखानुदान में सरकार कई ऐलान कर सकती है।
नई भर्तियों की घोषणा होगी। डीजल पेट्रोल पर वैट कम करना, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, हर घर नल का जल, किसानों को ब्याज मुक्त लोन, किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की घोषणा, गाय पालने पर मिलेगी सब्सिडी, स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार, लखपति दीदी योजना की घोषणा, अवैध माइनिंग पर सख्ती, अस्पतालों में गुजरात मॉडल, हर वार्ड में एक वॉलंटियर, चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के नाम पर हो सकता है, उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में समान नागरिकता बिल यूसीसी लाने की घोषणा होने के आसार है। आपको बताते चले कि विपक्ष सरकार पर पेट्रोल डीजल की दरों पर वैट घटाने और नई भर्तियों के ऐलान को लेकर हमलावर है। सरकार ने चुनावी समय जो वादे किए उन वादों को निभाना पड़ेगा, आम जनता को राहत देनी पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल पे जो वैट लग रहा है, अनेक प्रकार की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को कल इनको दूर करना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल में राजस्थान में वैट सबसे ज्यादा है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसमें कम करें तो सभी लोगों को राहत मिले। उम्मीद हम ये करते हैं कि वास्तविक आम जनता जो गांवों में जो बिना सड़क के बिना पानी के रह रही है उन तक बजट जाए, ऐसा कोई लेखानुदान ऐसा प्रावधान करे सरकार तो बढ़िया है। बहरहाल नई सरकार से उम्मीदें बेशुमार हैं। सरकार लेखानुदान की घोषणाओं की बदौलत लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करेगी। लोक लुभावन घोषणाओं का अंबार दिखेगा, पर इनमें से जुलाई तक कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कल के लेखानुदान में भजनलाल सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए दिख सकती है। सरकार ने हालांकि ऐलान तो बहुत किए हैं, जनता के बीच में इसका असर भी दिखता है, लेकिन अब पहली चुनौती लोकसभा के चुनाव की है, इसलिए माना यही जा रहा है कि कल का लेखानुदान लोक लुभावन हो सकता है, नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है, साथ ही पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने के लिए भी सरकार कमेटी का गठन कर सकती है। देखना यही होगा कि आखिर वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी किस तरह से प्रदेश की जनता को संतुष्ट करती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, अगली खबर राजधानी जयपुर से है, जहां कल शाम जल जीवन मिशन पर बैठक हुई और जेजेएम पर सीएम भजनलाल ने मीटिंग ली है। नेशनल जल जीवन मिशन ने यहां पर देखिए प्रेजेंटेशन दिया और 10% पब्लिक कंट्रीब्यूशन पर मंथन हुआ है। हर जिलों को लेकर के ये प्रेजेंटेशन दिया गया है। बैठक में गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे, बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जल जीवन मिशन पर बैठक हुई है और हर जिलों को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया गया है, बैठक में गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। तो बैठक में विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जल जीवन मिशन पर यह बैठक जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जेजेएम पर सीएम भजनलाल ने मीटिंग ली है।